नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटोमी नेटवर्क टीम वॉरियर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एग्जिस्ट करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग MLM इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने जा रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सही डायरेक्शन में नेटवर्क मार्केटिंग में काम किस प्रकार से होता है, और MLM इंडस्ट्री में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या डिफरेंस है, और जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, जो पास्ट की हम अगर 20 से 30 साल की बात करें तो जो पहले का जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री था और आज का जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है एट प्रजेंट, दोस्तों दिन रात का अंतर है, यह आप सभी को पता होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी नेटवर्क मार्केटिंग है, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इंडिया के अंदर और ग्लोबली काफ़ी कंपनियां काम करती हैं, और जो कंपनियां काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं, जितने भी कंपनियां काम कर रही हैं, कुछ सक्सेसफुल हुई हैं उसमें से, कुछ अनसक्सेसफुल हुई हैं। ठीक है, और आपका हमारा सभी का एक्सपीरियंस है सक्सेस का और अनसक्सेस का। तो डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, इस MLM इंडस्ट्री के अंदर जो पिछले 20 से 30 साल का जो पास्ट एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का, आज का जो प्रेजेंट है और आने वाला जो फ्यूचर है आपका किस प्रकार से चेंज हो रहा है डे टू डे बेसिस लाइफ पे, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये कहें एक बात कि हम ये टोटल जो इंडस्ट्री है ये ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट होने जा रही है आने वाले टाइम में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ई कॉमर्स इंडस्ट्री का कितना बड़ा महत्व है, ये सारी की सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से टीम वॉरियर के इस एजुकेशन ट्रेनिंग एंड सिस्टम की वजह से आपको दी जाएगी दोस्तों। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो के साथ आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे, आपको डायरेक्ट सेलिंग और ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ में क्या डिफरेंस है और आने वाला जो फ्यूचर होगा आपका, हमारा और हमारे जो बच्चों का, वो सारा का सारा ऑनलाइन ई कॉमर्स इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करने वाला है, और ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने लास्ट 10 to 15 ईयर्स में किस प्रकार से ग्रोथ की है ये आपको और मेरे को पता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू रहे। इस वीडियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे टीम वॉरियर के जो ग्रेट मेंटर हैं मिस्टर अंकित शर्मा जी। जैसा कि आपको पता है टीम वॉरियर का जो एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग है इंडिया के अंदर नंबर वन पे है, और आप इस वीडियो के माध्यम से जानोगे कि हम नंबर वन पे अपना एजुकेशन सिस्टम क्यों बताते हैं, और हमारी जो टीम वॉरियर का मेन उद्देश्य है आपको एजुकेट करना, हर तरीके से एजुकेट करना, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी लीडरशिप क्वालिटी हो, चाहे एटोमी पॉइंट ऑफ व्यू A to Z इन्फॉर्मेशन हो, चाहे एंटरप्रेनर्स हो। तो डेफिनेटली इस वीडियो के साथ दोस्तों आप बने रहिए। हमारे जो ग्रेट लीडर है मिस्टर अंकित शर्मा जी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग का, आज की जो डायरेक्ट सेलिंग है और पिछले 20 से 30 साल की जो डायरेक्ट सेलिंग है वो कहाँ शिफ्ट हो रही है, आप और हम आने वाले टाइम में कहाँ शिफ्ट होने वाले हैं, डेफिनेटली ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज के ऊपर शिफ्ट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में एटोमी टीम वाले के जो ग्रेट लीडर्स हैं मिस्टर अंकित शर्मा और मिस्टर पंकज चौधरी जी जयपुर से हैं, ये हमारे टीम वाले के उभरते हुए सितारे हैं। डेफिनेटली आपसे आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, आपको पता चल जाएगा कि आप और हम एट प्रेजेंट कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग और ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अंदर।
साथियों नमस्कार, आप सभी का टीम वॉरियर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और माई सेल्फ मिस्टर पंकज और मेरे साथ में है मिस्टर अंकित जी सर, और हम आपका यहाँ पे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से अंकित जी सर से हम जानेंगे और हम बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लेने वाले हैं। सर के साथ में हम डिस्कस करेंगे और किस प्रकार से एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करके अपने कैरियर को एक बेस्ट कंपनी के साथ में अपना कैरियर बना सकता है, वो सारी चीज़ें आपको अगर इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक आपको सारी चीज़ें 1-to-1 करके आपको यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सर से मैं फर्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि सर डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में क्या स्कोप है पहले तो। ओके दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अंकित शर्मा है और पंकज जी हमारे बहुत ही यंग एंड डायनेमिक लीडर हैं और बहुत काफ़ी टाइम से हमारे साथ में काम कर रहे हैं। और पंकज जी ने बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन किया है। ओके तो डाइट सेलिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है और पूरी दुनिया के अंदर डाइट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत ही रिस्पेक्टेड की नज़र से, बहुत ही इज्जत की नज़र से देखा जाता है। बट इंडिया के अंदर कुछ कारणवश डाइट सेलिंग को लोग शक की नज़र से देखते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब डाइट सेलिंग इंडिया के अंदर आई थी तकरीबन 97 के आसपास में, तो उस टाइम भारत के अंदर बहुत सी कंपनियां, नई नई कंपनियां दिन रात बनी और बहुत से गलत तरीके से कंपनियों ने यहाँ पर काम किया। लोगों को स्टार्टिंग में पता नहीं था डाइट सेलिंग का एक्चुअली होता क्या है, डाइट सेलिंग क्या होती है, डाइट सेलिंग में हम कैसे काम करते हैं, लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था। और इवन अभी तक भी बहुत से लोगों को नहीं पता कि डाइट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। भारत के अंदर 90% लोगों को नहीं पता कि रियल में प्योर नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, रियल में डाइट सेलिंग कंपनी क्या होती है। डाइट सेलिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। डाइट सेलिंग वो इंडस्ट्री है जिसने पूरी दुनिया के अंदर आम लोगों को खास इंसान बनाया है और पूरी दुनिया के अंदर ही नहीं, भारत के अंदर भी ऐसे ऐसे लोगों को खास इंसान बनाया है जो लोग कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते थे, उनके वो सारे सपने डाइट सेलिंग इंडस्ट्री ने पूरे किए हैं। बट कुछ कंपनी और कुछ लीडर्स की वजह से डाइट सेलिंग कंपनी इंडिया के अंदर बदनाम हुई है और बहुत से लोगों का डाइट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर से विश्वास गया है। जैसे इंडिया के अंदर क्या है कि जैसे इंडिया में हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारे बच्चे को हम टीचर बनाएं, हमारे बच्चे को हम डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, हम उनको एक अच्छा वकील बनाएं, वैसे फॉरेन कंट्रियों के अंदर लोग जो भी लोग हैं वो अपने बच्चों को डाइट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर डालना चाहते हैं कि ये डाइट सेलिंग के अंदर जाएगा और कुछ सीखेगा और अपना कुछ इंडिपेंडेंट खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के अंदर भी तकरीबन 16 यूनिवर्सिटी हैं इंक्लूडिंग DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां पर डाइट सेलिंग का अभी कोर्स स्टार्ट हो चुका है और वहां पर बहुत से लोग डाइट सेलिंग की स्टडी कर रहे हैं। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ लीडर्स की वजह से और कुछ कंपनियों की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से कुछ लीडर्स ने और कुछ कंपनियों ने डाइट सेलिंग को इंडिया के अंदर बदनाम किया है। बट सर वो दिन दूर नहीं कि इंडिया के अंदर डाइट सेलिंग एक बार दोबारा उभर के आएगी, और वो दिन दूर नहीं, वो दिन आ चुका है। कोरोना के बाद में, COVID-19 के बाद में लोगों को पता चल चुका है कि आने वाले टाइम का जो भविष्य है वो डाइट सेलिंग ही है। क्योंकि आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर जो सक्सेस रेशियो क्या है, हर इंडस्ट्री के अंदर 2% का है। आप चाहे किसी एजुकेशन में ले लें, आप किसी भी बिजनेस के अंदर ले लें, हर इंसान अलग अलग क्षेत्र के अंदर कैरियर बनाता है, लेकिन वहाँ पर 2% लोग ही अच्छे पोस्ट पे होते हैं। जो बाकी 90% लोग बचे हैं वो कहाँ अपना बिजनेस, अपना कैरियर कहाँ बनाना चाहेंगे। उनको कैरियर बनाने के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रही है वो डाइट सेलिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड करवा रही है। तो आप सब लोगों को मैं बता दूं कि आने वाले टाइम की जो इंडस्ट्री है, आने वाले टाइम में जो मिलीनियर लोग बनने वाले हैं, बिलीनियर लोग जो बनने वाले हैं, वो इंडिया के अंदर डाइट सेलिंग इंडस्ट्री ही देने वाली है। और डाइट सेलिंग इंडस्ट्री वो है जिसको आने वाले टाइम में एक अच्छी कंपनी के थ्रू और अच्छे लीडर्स के थ्रू रिस्पेक्ट की नज़र से, इज्जत की नज़र से देखा जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन हमारे जल्दी जल्दी आने वाला है। राइट सर, राइट। तो सर अभी डायरेक्ट सेलिंग का आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और सर ने बताया कि बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलिंग अपने इंडिया में स्कोप है। इसको पॉजिटिव तरीके से आप लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका बहुत फ्यूचर है, वो ब्राइट होने वाला है। तो अभी डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ में एक ई कॉमर्स क्या होता है और ई कॉमर्स का अपने भारत में मोस्टली क्या स्कोप है, इसके बारे में हम सर से डिस्कशन करना चाहेंगे। तो सर हमें बताइए कि ई कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स का इंडिया में क्या स्कोप है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए। ओके पंकज जी, ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आई होप बहुत से लोग ई कॉमर्स के बारे में जानते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के अंदर तकरीबन 138 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर तकरीबन 60 करोड़ लोग ऑनलाइन काम करते हैं या ई कॉमर्स के अंदर हम मान सकते हैं। भारत के अंदर अभी तक एट प्रेजेंट टाइम तक 110 करोड़ लोग फ़ोन यूज़ करते हैं। उन 110 करोड़ लोगों के अंदर तकरीबन ये मान लीजिए कि 42 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं। जी सर। और अभी सूत्रों से पता चला है, अभी कुछ कुछ गाइडलाइंस आई हैं, मुझे मैंने कहीं पढ़ा था
अभी मुझे पता चला कि 2023 और 24 तक भारत के अंदर तकरीबन 80 से 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आप जैसा कि जानते हैं कि आज हर इंसान गूगल पे यूज़ करता है, नेट बैंकिंग यूज़ करता है, आप जानते हैं अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इंडिया के अंदर अभी बिज़नेस कर रही है, बहुत अच्छा बिज़नेस कर रही है, आज जोमेटो है, स्विगी है, डोमिनोल है, आपका आपका ओला है, उबर कैब है, ऐसी बहुत सी ई कॉमर्स कंपनियां इंडिया के अंदर आ चुकी है, इंडिया के अलावा बहुत सी कंट्री में कंपनियां काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि COVID-19 के बाद में, कोरोना के बाद में, पूरी दुनिया के अंदर दो ही इंडस्ट्री ने खतरनाक ग्रोथ की है। जैसे कि आप जानते हैं कि जहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेस पूरी दुनिया में डाउन गए हैं, लोगों की प्राइवेट जो सेक्टर के लोग थे उनकी जॉब भी कहीं ना कहीं स्पॉइल हुई है, फ्लश आउट हुई है, बट वहाँ पर एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि उस दौरान पूरी दुनिया के अंदर दो इंडस्ट्रियों ने ग्रोइंग की है। एक जो इंडस्ट्री थी वो इंडस्ट्री थी आपकी नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ओके। बट डायरेक्ट सेलिंग से 5 से 6 गुना जो इंडस्ट्री ने ग्रोथ की है वो इंडस्ट्री है आपकी ई कॉमर्स इंडस्ट्री, ओके। आपको मैं बता दूं कि अभी लेटेस्ट जो दुनिया के जो सबसे अमीर इंसान बने हैं, बेजोस जो अमेज़न के मालिक हैं, ये पूरी विश्व के आज तक के इतिहास के सबसे अमीर इंसान बने हैं। और आने वाले टाइम के अंदर कोई भी इंसान, आज मैं मान लो या आप हैं, अगर हम कोई भी हम काम करते हैं, हमारे पास में एक छोटी सी दुकान है एग्जाम्पल, या हम किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, तो हमारे पास में एक लोकल क्राइटेरिया होता है, हम अपने कंज्यूमर और अपने डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ा नहीं सकते। अगर हमारी कंपनी ई कॉमर्स पे काम करती है तो आने टाइम में हम अपने जो कंज्यूमर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को, हम इंटरनेशनल लेवल पर उनको लेके जा सकते हैं। तो अभी क्या है कि बिजनेस करने के जो फंडामेंटल्स हैं, जो बिजनेस करने के जो आने वाले टाइम के जो रूल्स हैं, वो चेंज हो चुके हैं। हर टाइम एक इंडस्ट्री अपग्रेड होती है, धीरे 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 एक इंडस्ट्री अपग्रेड होती है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक इंडस्ट्री जब एक टाइम आया था 1950 से लेकर 60 के बीच में, बेबी फूड और बच्चों का जो डायपर इनका बिजनेस ग्रोइंग किया, उसके बाद में 1960-70 के बीच में बिजनेस ग्रोइंग किया वो था आपका स्कूल और कॉलेजों का, 60-70 के बीच में जो बिजनेस ग्रोइंग किया वो आपका था रियल स्टेट का, और 70-80 के बीच में जो बिजनेस ग्रोइंग किया वो था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर आई, और 1990 से लेकर 2000 के बीच में एक बहुत खतरनाक इंडस्ट्री ग्रोइंग की थी, वो इंडस्ट्री थी आपकी आईटी सेक्टर की। हर आदमी, आज हर इंसान फोन और लैपटॉप यूज करता है, आईटी सेक्टर, लेकिन उसके बाद में एक इंडस्ट्री ग्रोइंग की है, वो इंडस्ट्री ग्रोइंग की है आपकी ई कॉमर्स की। तो आने वाले टाइम की जो इंडस्ट्री ई कॉमर्स की है, और हमें टाइम के अकॉर्डिंग अपग्रेड होना ही पड़ेगा। अगर हम अपग्रेड नहीं हुए और हमने वही पुराने तरीके से बिजनेस किया, तो हम जो बिजनेस करना चाहते हैं वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो ये तो देखिए क्या है कि ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति आपको बदलने का मौका दे रही है, प्रकृति बदलने के आपके आपको सिम्टम्स दे रही है, प्रकृति बदलने के लिए आपको सचेत कर रही है कि आपको बदलना पड़ेगा। आज मान लीजिए कि COVID-19 है, COVID-19 के दौरान जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस थे उनके बिजनेस डाउन हुए हैं, बहुत से लोगों की जॉब भी गई है। अगर आज हर इंसान अगर ई कॉमर्स पर अपना बिजनेस कर रहा होता, तो आप लोगों का बिजनेस भी अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह ही 2 से 2.5 गुना होने वाला था। तो अभी भी टाइम है कि आने वाले टाइम में, अभी कोरोना है, आने वाले टाइम में बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां और भी आने वाली हैं, अभी से आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करना स्टार्ट कर दें। आई थिंक बहुत से लोग, पता नहीं, मेरी बात से बहुत सारे लोग एग्री भी होंगे और कुछ लोग एग्री भी नहीं होंगे, क्योंकि ये भारत की एक बहुत बड़ी मानसिकता, कुछ लोगों की मानसिकता है कि जब तक उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी नहीं आती, तब तक वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो अभी क्या कि प्रकृति ने आपको जागरूक किया है, इसके बारे में बताया है, COVID-19 जैसी बीमारी भारत के अंदर आई है, कि आप अपने बिजनेस करने के तरीके को चेंज कीजिए। आप जिस तरीके से व्यापार कर रहे हैं, जिस तरीके से आप जो काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री आने वाले टाइम के अंदर लंबी नहीं चलने वाली। तो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना ही पड़ेगा और ई कॉमर्स पे आपको जाना ही पड़ेगा। तो ई कॉमर्स जो इंडस्ट्री है बहुत ब्यूटीफुल है, इनके आंकड़े मैं बताऊं तो बहुत खतरनाक आंकड़े हैं कि अभी 2000 तकरीबन, ये मान लीजिए कि 20 तक इसके जो आंकड़े थे वो 2023 तक जो आंकड़े जाने वाले हैं वो $20 billion का, 20 ट्रिलियन $20 का बिजनेस पूरी दुनिया में ई कॉमर्स कंपनियां करने वाली हैं। तो हम सब, मैं आपको आज इतना ही बोलूंगा कि आप सब लोगों को ई कॉमर्स के बिजनेस को अपग्रेड करना पड़ेगा और ई कॉमर्स सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हैं। आने वाले टाइम का फ्यूचर बिजनेस ई कॉमर्स के अंदर ही है। थैंक यू पंकज जी। सर अभी नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है कि एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हम चुनाव कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे जो नए जो लोग आते हैं, स्पेशली यूथ जो आते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, वो व्यक्ति एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अपने वर्तमान के समय को देखते हुए किस तरीके से वो एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करें, जिससे उसका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा रहे। सर पंकज जी, आपने रियली बहुत अच्छा मेरे से क्वेश्चन किया है। आई थिंक मैं तकरीबन पिछले 5-7 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ, और मैंने अमूमन इंटरनेशनल कंपनियों के साथ में ही काम किया है। आई थिंक जिनके अच्छे प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, मतलब जिनकी कंपनियों के एथिक्स होते हैं, मैंने एक चीज़ देखी है, भारत के अंदर तकरीबन 400 से ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां काम कर रही हैं,
ओके और बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है भारत के अंदर, मैं मेरा इंटेंशन किसी भी कंपनी को हर्ट करना नहीं है, मैं किसी भी कंपनी को गलत नहीं बता रहा, सब कंपनी अपने आप में अच्छी है, अच्छे से काम कर रही है, बट डिसीजन आप लोगों का कि आपको किस कंपनी में काम करना है। कंपनी तो चलती रहती है, भारत के अंदर क्या हर प्रकार की मेंटलिटी के लोग हैं, आप कुछ भी करेंगे लोग वो करने वाले हैं, काम अच्छा करेंगे तो अच्छा भी करेंगे, बुरा तो बुरा भी करेंगे, तो इंडस्ट्री तो आप कोई भी चलाओगे इंडस्ट्री चलने वाली है, बट आप लोगों का कैरियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए इंसान के पास में 4 से 5 साल ही होते हैं, उस 4 से 5 साल को अगर आप किसी अच्छी इंडस्ट्री के साथ में लगाते हैं तो आपका कैरियर डेफिनेटली बनने वाला है। अगर आप वो 4 से 5 साल एक कोई ऐसी इंडस्ट्री के साथ में लगाते हैं जिस कंपनी के पास में खुद का कुछ है ही नहीं, मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, अगर वो पॉइंट अगर आपकी कंपनी के अंदर है तो डेफिनेटली वो कंपनी चूज कर सकते हैं। बट क्या कि इंडिया के अंदर लोगों को क्या है अभी नेटवर्क मार्केटिंग के एक्चुअली पॉइंट्स क्या लोगों को नहीं पता। इंडिया में क्या लोगों को हमेशा मोटिवेट किया जाता है और मोटिवेट करके लोगों को काम करवाया जाता है, एक एक तरीके से उनको एक उनका माइंड वॉश किया जाता है। अभी मान लीजिए आप नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है और रियल में बहुत भविष्य का जो आने वाले टाइम की इंडस्ट्री, मैं शर्त के साथ में कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम की जो इंडस्ट्री है वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है, डायरेक्ट सेलिंग ही है इंडस्ट्री, है ना। और डायरेक्ट सेलिंग से जो अपग्रेड बिजनेस मैंने आपको बताया ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इनका जो कॉम्बिनेशन हो जाए तो बहुत बेस्ट है, ये इंडस्ट्री बहुत खतरनाक ग्रोइंग करने वाली है, मैंने आपको बता दिया। मगर अगर आज आप किसी अच्छी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाना चाहते हैं, तो मैं आपको 8 से 10 पॉइंट बताने वाला हूं, वो पॉइंट आप चेक कर लीजिएगा, अगर वो पॉइंट अगर आपकी कंपनी के अंदर तो डेफिनेटली आप वो कंपनी कर सकते हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा और ना मुझे किसी कंपनी का नाम लेने का हक है, बिकॉज हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के अंदर हमें बहुत ही तरीके से सिंसियर तरीके से हमें अच्छे से एजुकेशन दी जाती है और हमारी एजुकेशन कभी भी किसी इंसान को छोटा दिखाने के लिए साबित नहीं की जाती। तो मैं आपको पहला पॉइंट बताने वाला हूँ, अगर आप कोई भी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी के सबसे पहले आप एथिक चेक कीजिए, कंपनी के एथिक्स क्या है, क्योंकि विदाउट एथिक्स के कभी भी कोई दुनिया में कंपनी काम नहीं कर सकती। जहां तक मैंने देखा है कि इंडिया के अंदर कुछ कंपनियां नेटवर्किंग में होकर सेट वर्किंग है, ओके, वो उनके पास में बेसिकली खुद का ये मान लीजिए कि एथिक्स की मैं बात करूँ तो एथिक्स के नाम पर वो जीरो है इंडिया के अंदर काफी कंपनियां, आप चेक कर लीजिएगा, इंडिया के अंदर मैक्सिमम कंपनियां एथिक्स के नाम पे जीरो हैं। और जिस इंसान के एथिक्स नहीं है, जिस फैमिली के एथिक्स नहीं है और जिस बिजनेस के एथिक्स नहीं है, वो बिजनेस और वो फैमिली जिंदगी में लंबा लॉन्ग लास्टिंग नहीं चल सकता, और लॉन्ग लास्टिंग चलेगा तो भी बहुत सी उसके अंदर समस्या आने वाली है, एक दिन वो बंद हो जाएगा। तो एथिक्स में बात करूँ तो इंडिया के अंदर मैंने बताया कि इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उनके पास में खुद का कोई भी एथिक्स नहीं है, उनके पास में रेडीमेड, उनको चाहिए रेडीमेड काम, रेडीमेड लीडर चाहिए, ठीक है। आज इस कंपनी के लीडर्स को उस कंपनी में ले गए, उस कंपनी के लीडर्स को इस कंपनी में ले गए, तो इंडिया के अंदर जो क्या है कि एथिक्स नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। मैं आपको एथिक्स के बारे में आने वाले कुछ टाइम में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो आप कंपनी कर रहे हैं उसके क्या एथिक्स हैं, कंपनी की क्या प्लानिंग्स हैं, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, ओके, तो आपको एथिक्स देखने बहुत ज़रूरी है। क्या यहाँ पर सिर्फ एक लोगों को महत्व नहीं दिया जा रहा, क्या सभी लोगों को महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। तो कंपनी के आपको एथिक्स चेक करने पड़ेंगे कि कंपनी के स्ट्रॉन्ग विजन क्या है, क्या कंपनी मतलब आने वाले टाइम में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, उस पॉइंट पे आप कंपनी को चेक कर लेना। जो मेरा दूसरा जो पॉइंट है वो कंपनी की प्रोफाइल है, ओके। तो क्या है कि इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम कंपनियां हैं, मैं आपको बता दूं जो मैक्सिमम कंपनियां खुल रही है वो कंपनियां कैसी हैं कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर मैक्सिमम जो लोग हैं जिस 20 साल से 5 साल 10 साल 15 साल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर ली है, वो इंसान क्या करता है, अपना खुद का प्लान बनाता है और एक्स वाई जेड जगह से अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं और इंडिया के अंदर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी डिजाइन कर देते हैं। कंपनी प्रोफाइल के नाम पे जीरो होती है, नई कंपनी कोई R&D होता है, नई कंपनी का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होता है, नई कंपनी के पास में खुद का कोई पेटेंट प्रोडक्ट होता है, नहीं उनका कोई पेटेंट प्लान होता है। पेटेंट प्लान यानी एक प्लान पूरी जिंदगी में पूरी ग्लोबली तौर पे काम कर सके। इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं वो हर साल प्लान चेंज करती हैं, एक कंपनी देख के दूसरी कंपनी, दूसरी देख के तीसरी कंपनी कि हमारा प्लान बेस्ट आ गया, क्योंकि प्रोफाइल इंडिया के अंदर प्रोफाइल कभी भी नहीं बिकती, इंडिया के अंदर हमेशा प्लान बिकता है, ठीक है। तो अगर आपको कैरियर बनाना ही मालूम है, हम जिस छत के नीचे बैठे हैं, अगर इस छत की इस कंपनी की प्रोफाइल ही साउंड नहीं है तो डेफिनेटली अगर इस छत भी अगर मजबूत नहीं होगा, इसकी पिलर मजबूत नहीं होगी, तो डेफिनेटली पिलर गिरने वाले हैं, छत भी गिरने वाली है। तो कंपनी की आप प्रोफाइल चेक कीजिए, कंपनी की नेटवर्थ क्या है, ओके। अगर आज कंपनी का 2-3 महीने बिजनेस चले तो आप लोगों को चेक कहाँ से देने वाली है, कंपनी की प्रोफाइल चेक कीजिए, ठीक है। कंपनी का विजन क्या है चेक कीजिए, ठीक है। जो तीसरी मैं पॉइंट बात करने वाला हूँ कंपनी की प्रोफाइल के बाद में, आपको फाउंडर की प्रोफाइल चेक करनी है कि जो जिस कंपनी को जो आदमी चला रहा है, जो शख्स चला रहा है उस कंपनी का, जो CEO है या फिर उसका फाउंडर है, उस फाउंडर की क्वालिफिकेशंस क्या है, क्या उसको रियल में एक्सपीरियंस है चलाने का, क्या वो किसी और के भरोसे तो कंपनी नहीं चला रहा, क्या इतने हजारों लाखों करोड़ों लोगों का फ्यूचर वो किसी ऐसे इंसान के हाथ में तो नहीं दे रखा जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता ही नहीं, जिसका कंपनी का कोई फ्यूचर ही नहीं है, क्या वो आप लोगों को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हैं,
कि आपको मोटिवेट करके 1% एक्स्ट्रा मार्जिन देके वहाँ से यहाँ तो नहीं लेके आ रही है, यहाँ से वहाँ तो नहीं लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले कंपनी के जो फाउंडर हैं, आपकी कंपनी के जो मालिक है, सीईओ हैं, उनका बैकग्राउंड देखिए, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या उनको एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन है, क्या उन्होंने कहा उसके अंदर कोई एमबीए की हुई है, क्या उनका कोई पुराना कोई 20-30 साल का एक्सपीरियंस रहा है, क्या उन्होंने पहले कोई कंपनी चलाई है, या कंपनी नहीं भी चलाई है तो क्या उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो फाउंड जो आपकी कंपनी के जो मालिक हैं, जो कंपनी के सीईओ हैं, पहले उनकी प्रोफाइल आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट मैं पॉइंट की बात करूँ तो कंपनी का जो नेक्स्ट जो चीज़ आती है, जो मेन जो चीज़ है वो है प्रोडक्ट्स। क्योंकि एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो मेन इंटेंशन क्या है कि कंपनी डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाती है, बनवाती नहीं है, खुद बनाती है। ओके, इंडिया के अंदर ही मैंने आज तक ऐसा देखा है, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको आने वाले टाइम बताने वाला हूँ कि इंडिया के अंदर पहले प्लान बनता है फिर कंपनी के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, और प्लान पहले बना देते हैं, प्रोडक्ट बाद में बनते हैं, और फिर लोगों को वो प्लान बिकवाते हैं, नहीं कि प्रोडक्ट बिकवाते हैं। और मार्केट के अंदर ध्यान रखना, पीवी जो आता है वो प्रोडक्ट से आता है, आपकी शक्ल कभी भी मार्केट में नहीं बिकने वाली, मार्केट में हमेशा प्रोडक्ट रन करेंगे। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो आपको कभी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो आपकी कंपनी को जिंदगी में कोई इंसान हिला नहीं सकता। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो पहले उस कंपनी के प्रोडक्ट को चेक कर लीजिए, नहीं कि हमारी कंपनी के पास में 300 प्रोडक्ट, हमारी कंपनी के पास में 500 प्रोडक्ट है। 300-500 प्रोडक्ट तो कोई भी ले जा सकता है, 1000 प्रोडक्ट भी कंपनी में कोई भी ले जा सकता है। मेन चीज़ जो कंपनी के क्या प्रोडक्ट वो पेटेंट हैं, कहाँ से रिसर्च होके आए हैं, कहाँ से बन के आए हैं, कंपनी कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करवा रही है, उसके क्या रिजल्ट्स हैं उन प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी को लेके, क्योंकि आप मोटिवेशन से काम नहीं करेंगे, मार्केट में लोग आपसे रिजल्ट मांगेंगे और रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट्स को लेके। अगर प्रोडक्ट्स आपके अच्छे हैं तो आपका बिजनेस ऑटो रन पे चलेगा, अदरवाइज आपका काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट जो मेरा जो पॉइंट है वो है आपका बिजनेस प्लान। इंडिया के अंदर मैक्सिमम कंपनियां, अगर आप किसी कंपनी का प्लान देखने बैठोगे, अगर पूरा प्लान समझोगे तो आप समझ भी नहीं पाओगे, मैं सही बताऊं आप लोगों को मैं, ठीक है। दूसरी चीज मैं बात करूं भारत के अंदर मैक्सिमम लोगों को एक्चुअली यही नहीं पता कि कंपनी हमें कहाँ से पैसा डिवाइड कर रही है, कैसे हमें पैसा बांट रही है। सिर्फ लोग ये देखते हैं कि ये कंपनी मुझे इतना मार्जिन दे रही है और नेक्स्ट मुझे कंपनी इतना मार्जिन दे रही है। क्या जो कंपनी का जो प्लान है क्या वो कंपनसेशन है, क्या वो प्लान कंपनी बार बार चेंज तो नहीं कर रही है, क्या प्लान में कोई गड़बड़ तो नहीं है, ओके, क्या प्लान के अंदर मैक्सिमम 50% लोग कामयाब हैं, क्या वहाँ पर 60% लोग कामयाब उस प्लान की वजह से, क्या उस प्लान में पैसे हैं, या आप सिर्फ ताली बजाने के लिए किसी कंपनी में गए या मोटिवेट होकर वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो प्लान को चेक कीजिए, प्लान कंपनसेशन है, क्या वहाँ पर सक्सेस रेशियो क्या, लोगों का लोग कितने कामयाब हो रहे हैं, कंपनी किस तरीके से पैसे डिवाइड कर रही है वहाँ पर। तो प्लान कंपनी का आप देख लें, क्या कंपनी अनलीगल तरीके से बहुत पैसा तो नहीं बांट रही या बहुत कम पैसा तो नहीं बांट रही है ना। तो प्लान भी हमें बहुत देखना जरूरी है। उसके बाद में जो मेन जो चीज़ आती है वो आती है एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में आपको मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। मेन बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग का 20% हार्डवर्क होता है और जो 80% है वो कंपनी का एजुकेशन है। अगर आप एजुकेशन के नाम पे, आज भारत के अंदर बहुत सी कंपनियां हैं एजुकेशन के नाम पे सिर्फ लोगों को मोटिवेशन दे रही हैं, एजुकेशन लोगों का जीरो है यहाँ पर। कुछ लोग हैं जो यूट्यूबर बन गए और लोगों को बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं कहीं से भी, ओके, अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेस वो टाइकून मानते हैं, अपने आप को मेंटर मानते हैं लोगों का, और वो लोगों को एक्चुअली लोगों को एजुकेशन के नाम पे लोगों को वो भी लूट रहे हैं यहाँ पर ना। तो आपको सबसे पहले चीज़ देखनी है कि आप जिस कंपनी में काम करें क्या वहाँ पर को मोटिवेट तो नहीं किया।